तो दोस्तों, व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन से संबंधित बहुत सारे टेस्ट हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में टेस्ट पूछे जाते हैं, यानी कि परीक्षण पूछे जाते हैं कि क्या क्या परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत समाहित होते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो इन परीक्षणों के आपको नाम याद होने चाहिए और इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट कौन से परीक्षण हैं जो आपको याद भी करने हैं एज वेल एज उसकी प्रक्रिया भी आपको ध्यान में रखनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये कॉन्टेंट उपलब्ध है। और इस कंटेंट को आप तो या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या याद कर सकते हैं या फिर इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके आपके पास हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि पूरे व्यक्तित्व परीक्षण आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है, इसका पहला तरीका हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी मेजरमेंट क्या रहेगा? व्यक्तित्व आविष्कारिका, पर्सनल इन्वेंट्रीज। देखिए, मैं इसको ऑलरेडी लिख के लाई हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और इसमें हम इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस कर सकें। तो पर्सनल इन्वेंट्रीज इज द वेरी फर्स्ट पर्सनैलिटी मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें क्या होता है, प्रश्न को व्यक्ति स्वयं पढ़ता है। ठीक है, पहली बात इसमें कि जो भी पर्सनल इन्वेंट्रीज हैं, जितने भी व्यक्तित्व आविष्कारिका वाला जो टाइप है व्यक्तित्व मापन में, उसमें क्या होता है, व्यक्ति प्रश्न को स्वयं पढ़ता है एवं रिपोर्ट देता है। प्रश्न भी खुद ही पढ़ रहा है और उसकी रिपोर्ट भी वो खुद ही दे रहा है। ठीक है, ऐसे तरह के व्यक्तित्व आविष्कारिका वाले परीक्षण जो है वो कौन कौन से, तो वेरी फर्स्ट देखिए, ये तो टाइप हो गया, इसके बाद इसका सब डिविजन है। दीज आर द नेम ऑफ द टेस्ट, ये परीक्षण के नाम है और ये परीक्षण का टॉपिक है। और ये कौन सा परीक्षण है, ये व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। जैसे कि हम वेरी फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं व्यक्तित्व आविष्कारिका, जिसमें व्यक्ति स्वयं प्रश्न जो है वो पढ़ता है और उसकी रिपोर्ट भी वो खुद ही दे रहा है। तो ऐसे टेस्ट कौन से हैं, देर आर बेसिकली टू टेस्ट रिलेटेड टू इट। इसमें दे रखा है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जिसको आप वापस नाम दे सकते हैं मिनेसोटा बहुआयामी व्यक्तित्व आविष्कार का। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें 550 एकांश थे, 550 आइटम्स वर देयर इन टोटल इन मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंशन में। ठीक है, 550 आइटम्स। अब ये एकांश मतलब क्या होता है, ये हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आइटम्स मतलब क्या होता है, ये हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर 550 एकांश, 550 आइटम्स आर देयर इन दिस टेस्ट। और प्रत्येक एकांश के लिए क्या होता है, 550 आइटम्स हैं और प्रत्येक आइटम्स के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, दैट इज ईदर ट्रू फॉल्स और कैनॉट से, वी कैनॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो इस तरह से ट्रू फॉल्स और कैनॉट से वाले ऑप्शन कौन से टेस्ट में दिए जाते हैं, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री में दिए जाते हैं। और इसमें टोटल आइटम्स कितने होते हैं, 550। तो एक बात तो ये आपके याद करने की हो गई, और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसमें जो विकल्प हैं वो कैसे हैं, ट्रू फॉल्स और कैनॉट से। जैसे कॉफी विद करण में रैपिड फायर राउंड होता है और फिर अभिनेत्रियों से पूछा जाता है कि आपको अगर एक्टिंग करने का मौका मिले तो आप कौन से हीरो के साथ महत्वाकांक्षा रखती हैं एक्टिंग करने की, तो यहाँ पर तीन नाम दिए जाते हैं, फिर वो अभिनेत्रियाँ उन विकल्पों में से कहती हैं यस ट्रू, इनके साथ मैं एक्टिंग करना चाहूँगी। और फिर कोई ऐसे संदिग्ध व्यक्ति का नाम ले लिया जाता है तो वो कहती हैं कैनॉट से, आई कैनॉट, दिस इज वेरी एम्बिग्यूअस, आई कैनॉट से द नेम ऑफ दैट पर्सनैलिटी, इट कैन बी एनी वन। तो यहाँ पर इस तरह के विकल्प मिनेसोटा परीक्षण में भी होते हैं, इधर ट्रू फॉल्स और कैनॉट से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति के रोगात्मक शील गुणों का मापन करना होता है। शील गुण यानी कि ट्रेट्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को आप मेजर करने के लिए इस मिनेसोटा परीक्षण का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड रोगात्मक। अगर उसे कोई रोग है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप इस तरह के परीक्षण करेंगे और आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। सेकेंड है कैटल का 16 PF परीक्षण, ये क्या है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। और इसी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स की वजह से इसको हमने नाम दे दिया कारक विश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, या कारक विश्लेषण परीक्षण।
तो कारक विश्लेषण परीक्षण अन्य किस परीक्षण का नाम है? या ये परीक्षण बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है, अभिक्षमता से, अभिरुचि से, किससे संबंधित है? तो वी ऑल नो दैट कैटल 16 PF इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी टेस्ट, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसी का ही अन्य नाम है कारक विश्लेषण। इसी को ही हम कहते हैं फैक्टर एनालिसिस, बिकॉज एफ स्टैंड्स फॉर फैक्टर और फैक्टर को हम हिंदी में कहते हैं कारक। तो कारक विश्लेषण जो परीक्षण है वो भी इनके टेस्ट का अन्य नाम है। इसमें होता क्या है, 17 से अधिक उम्र वाले व्यक्ति के लिए 16 शील गुण सिद्धांत की बात की जाती है। जितने भी 17 वर्ष से उम्र से ऊपर वाले व्यक्ति हैं उनसे संबंधित ये टेस्ट लिया जाता है और इस टेस्ट में कितने ट्रेट्स होते हैं, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो कितने होते हैं 16, क्योंकि इस परीक्षण का नाम ही क्या है 16 PF यानी कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स पर इन लोगों से बात की जाती है जिनकी उम्र कितनी होती है 17 वर्ष से अधिक। तो यहां पर हमने देखा कि दो टेस्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, दैट इज रिलेटेड टू द टॉपिक व्यक्तित्व आविष्कारिका। व्यक्तित्व से संबंधित हमें कुछ इन्वेंट करना है, कुछ पता लगाना है, तो उससे संबंधित ये दो टेस्ट हमें याद रखने होंगे। नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है, नेक्स्ट हमें याद रखना है प्रक्षेपीय विधियाँ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्टिव मेथड्स। एंड दीज टॉपिक रिलेटेड टू पर्सनैलिटी टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रक्षेपीय विधियाँ, प्रोजेक्टिव मेथड्स। इससे कई क्वेश्चन आपके रीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूरी पूरी संभावना है। तो एक व्यवस्थित तरीके से मैं आपके नोट्स बनवाना चाह रही हूँ, मैं आपको याद करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि हम सभी को याद तो बहुत अच्छी तरह से है, बट द प्रॉब्लम इज अरेंजमेंट, द मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा जो याद है वो बिखरा हुआ है, कुछ भी व्यवस्थित तरीके से नहीं है। तो इसको व्यवस्थित तरीके से करने के लिए दिस कंप्लीट नोट्स कैन हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर प्रोजेक्टिव मेथड्स में हमें क्या देखना है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से, पहली बात आ गई, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तित्व का मापन करने वाला परीक्षण कौन सा होगा। अगर हमें व्यक्तित्व का मापन अप्रत्यक्ष रूप से करना है तो हमें कौन सी विधि अपनानी होगी, कौन सा टाइप अपनाना होगा, तो दैट विल बी प्रोजेक्टिव मेथड्स, जिसमें क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तित्व का मापन होता है। नेक्स्ट देखें, अब इसमें होता क्या है, व्यक्ति के समक्ष अस्पष्ट असंगठित उद्दीपक प्रस्तुत किए जाते हैं, बिल्कुल मिसअरेंज्ड जो स्टिमुलस है वो व्यक्ति के सामने रख दिए जाते हैं, बहुत ही वेग, बहुत ही अस्पष्ट। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है। ये जो अस्पष्ट और मिसअरेंज्ड जो स्टिमुलस हैं उसके प्रति व्यक्ति जो है अपना रिस्पॉन्स देगा, अपनी अनुक्रिया करेगा, और अनुक्रिया में अचेतन मन की इच्छा और संघर्षों को प्रक्षेपित करता है, वो प्रोजेक्ट करता है, वो प्रक्षेपित करता है, वो बताता है, क्या बताता है, जो भी उसके अचेतन मन की जो इच्छाएं और संघर्ष है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उस मिस अरेंज स्टिमुलस के प्रति अपनी अनुक्रिया देगा। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टिव मैथड, ठीक है। प्रोजेक्टिव मैथड में आपसे पूछा जा सकता है असत्य कथन छांटिए। इस मेथड में क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, व्यक्ति के समक्ष अस्पष्ट और असंगठित उद्दीपक रखे जाते हैं और उद्दीपक के प्रति व्यक्ति अनुक्रिया करता है। इसमें असत्य कथन छांटिए, तो असत्य कथन क्या हुआ, पहला वाला, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति का मापन नहीं किया जाता, अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। और अगर ये अप्रत्यक्ष रूप है, यानी कि हमारे संज्ञान का, हमारे माइंड का कौन से पार्ट को झकझोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो है हमारा अचेतन मन। कौन सा मन होगा, अर्धचेतन, अवचेतन और अचेतन। तो अचेतन मन, अनकॉन्शियस जो लेवल है, उस लेवल पर जाकर व्यक्ति की क्या इच्छाएं रही थी, क्या संघर्ष रहा था, क्या उसकी दमित भावनाएं थी, क्या उसने सोचा था, वो कितना स्ट्रेस में है, क्या उसकी दमित वाली महत्वाकांक्षाएं हैं जो दबा दी गई समाज के द्वारा, ये सारी बातें उसके एक्सप्रेशन में नजर आने लगेगी इन दिस पर्सनैलिटी टेस्ट दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टिव मैथड।
जैसे इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो एक पोयम है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग पे बेस है, दैट इज कॉल्ड माई लास्ट डचेस, मेरी आखिरी रानी। और वो जो माई लास्ट डचेस है उसमें वो रानी मर चुकी है और उसका जो हस्बैंड है सो कॉल्ड ड्यूक, ठीक है, सो कॉल्ड ड्यूक क्यों बोल रही हूं मैं इसको, क्योंकि उसी ने अपनी पत्नी को ऑर्डर्स दिए थे और उसकी पत्नी को मार दिया गया। तो यहां पर ये जो राजा है जो कि ड्यूक कहलाता है, ये जो ड्यूक है ये क्या कर रहा है, अपने अचेतन मन की जो बातें हैं वो अपनी जो वो कन्वर्सेशन कर रहा है उसमें उसके अचेतन मन की सारी इच्छाएं, उसकी भावनाएं, उसकी क्रुएल्टी, उसके जो जो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल किलिंग उसने की है, वो सारी बातें जो उसके अचेतन मन में उसने दबा के रख रखी हैं वो सभी उसके व्यक्तित्व में प्रकट हो जाती हैं। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति बोलता है तो सारे उसका जो मानसिकता है, जो उसका व्यक्तित्व है, वो झलकने लगता है। तो इस तरह से ड्यूक ने जब अपने वापस शादी की बात चलाने की कोशिश की और वापस किसी के लिए उसने क्या करा, मम्मी को, उसकी मम्मी ने नहीं, उसने खुद ने दूसरे लोगों को चाय पे बुलाया और पता चला कि वो वापस इच्छा रखता है किसी अन्य रानी से शादी करने की, तब अपनी पुरानी रानी के बारे में वो जितनी भी बातें करता है तो उससे समझ में आता है कि वो अपनी पत्नी को एक ऑब्जेक्ट मानता था, एक चीज़ मानता था जो कि उसके अकॉर्डिंग ही सारा मैनिपुलेशन किया जाए। तो इसमें उसने बताया कि ऑल द स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, यहाँ पर उसकी सारी हंसी जो है वो ख़त्म हो गई, दैट मीन्स उसे मार दिया गया। तो ये सारी बातें, वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया, लेकिन उसकी बातों से साफ नजर आ रहा है कि वो कितना निकृष्ट इंसान है, कितना क्रूअल पर्सन है। तो इसमें भी, किसमें, प्रोजेक्टिव मेथड्स में भी अचेतन मन से संबंधित सारी बातें, जो इच्छाएं हैं, जो संघर्ष हैं, जो भावनाएं हैं, जो दमित कुंठाएं हैं, वो सभी इस परीक्षण के द्वारा आपको परिलक्षित होंगी, दिखाई देंगी, जिसमें आप उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं और व्यक्ति उसके प्रति अनुक्रिया कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टिव मेथड्स। इसे ही हम प्रक्षेपीय विधियां कहते हैं, जो कि व्यक्तित्व का मापन करने के लिए काम में आती हैं। ठीक है, ऐसी विधियां किसके लिए काम में आती हैं, व्यक्तित्व का मापन करने के लिए काम में आती हैं। और अचेतन मन से संबंधित सारी बातें वापस कैसे हो जाती है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाती हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन उसकी बातों से समझ में आ जाता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब भी किसी से शादी का प्रस्ताव या शादी की बात चल रही होती है तो उसे चाय पे बुलाया जाता है, उसके साथ में एक बार लंच किया जाता है। एंड व्हाई इट इज सो, क्योंकि जब लंच किया जा रहा है और आगामी होने वाले पति पत्नी जो है उनकी मुलाकात हो रही है, उसमें जो बातें हो रही है, उन बातों से काफी कुछ व्यक्तित्व परीक्षण आसानी से हो जाता है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से आप ये जान लेते हैं कि ये व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, इसकी विचारधाराएं कैसी हैं। ये सब कैसे पता चलेगा, थ्रू प्रोजेक्टिव मेथड। अब मैंने उससे ये नहीं पूछा कि आप जानवरों के प्रति दया रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो वो इंसान तो यही बोलेगा, अरे मैं तो बहुत परोपकारी हूँ, बहुत मदद करता हूँ, बहुत सहायता करता हूँ, यहाँ पर पशु चिकित्सा से संबंधित एनिमल एड के नंबर भी मेरे फ़ोन में है। तो यहाँ पर वो सामने सामने तो क्या करेगा, ये स्वीकार नहीं करेगा कि वो कितना क्रूअल है, लेकिन उसकी क्रुएल्टी उसकी बातों में झलकेगी, जो कि अचेतन मन से अप्रत्यक्ष रूप से आपको समझ में आ रही है। जैसा कि थ्री इडियट्स में हुआ था कि करीना कपूर के हाथ से जो घड़ी है वो गुम जाती है, जो उसके फियांसे ने उसको दी है। अब घड़ी गुम होने पर सबसे पहला वाक्य वो यही बोलता है कि ये घड़ी इतनी महंगी थी, इतने रुपए की थी और तुमने गुमा दी। तो यहाँ पर उसका कौन सा भाव झलकता है, उसका मटेरियलिस्टिक भाव, भौतिकवादी से संबंध जो उसका जो आकर्षण है वो साफ नजर आता है कि वो कितना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पसंद करता है। तो ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से बातों ही बातों में समझ जाना। इसी वजह से हमेशा शादी के न्योते पर मम्मी लड़के वालों को चाय पर बुलाया करती थी, ताकि पता चले कि इन लोगों की मानसिक धारणाएं कैसी हैं, इनका व्यक्तित्व कैसा है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टिव मैथड।
मेरे ख्याल से अब आपको ये जो पॉइंट मैंने सर्कल किए हैं वो सर्कल वाले पॉइंट आपको याद हो गए होंगे कि दैट इज अप्रत्यक्ष रूप से इसमें व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, अचेतन मन के बारे में जानने की कोशिश की जाती है और व्यक्ति उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है। नेक्स्ट देखें, लॉरेंस फ्रैंक ने 1939 में प्रोजेक्टिव मेथड प्रक्षेपीय विधियों का प्रयोग किया। अब ये फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से फैक्ट मुझे याद होना चाहिए कि प्रोजेक्टिव मेथड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। प्रोजेक्टिव मेथड यूज किया लॉरेंस फ्रैंक ने 1939 में सबसे पहले। अब इसमें क्या था, तो इसमें अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, प्रोजेक्टिव मेथड जो है वो एक टॉपिक का नाम है जो व्यक्तित्व परीक्षण में जैसे हमने किया इन्वेंट्रीज पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज फर्स्ट टॉपिक था, सेकेंड टॉपिक हमारा प्रोजेक्टिव मेथड था। प्रोजेक्टिव मेथड्स में अब हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कौन कौन से परीक्षण इसमें किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रक्षेपीय विधियां। तो इसमें सबसे पहला परीक्षण हम देख रहे हैं शब्द साहचर्य का, वर्ड एसोसिएशन। ये किसने यूज किया था, ये फैक्ट वाली बात है कि 1879 में गाल्टन ने इसे सर्वप्रथम प्रयोग में लिया, वर्ड एसोसिएशन। इसमें होता क्या है, व्यक्तित्व मापन के लिए इसका उपयोग सिगमंड फ्रायड और जुंग ने किया। व्यक्तित्व के लिए मापन सबसे पहले तो गाल्टन ने किया था, और व्यक्तित्व मापन के लिए किसने किया, सिगमंड फ्रायड और जुंग ने। इसमें होता क्या है, वर्ड एसोसिएशन में कुछ शब्दों को एक एक बोलकर परीक्षार्थी के सामने उपस्थित किया जाता है, एक एक शब्द उनके सामने बोला जाता है, जो सबसे पहला शब्द उनके मन में आए उसे बताना होता है। बहुत सारे शब्द बोल दिए, अब पूछा जाता है, जैसे टेलीपोर्टेशन टेक्निक होती है, उसमें बहुत सारे नंबर्स आपको बता दिए गए हैं और फिर बोला जाता है कि इन इतने सारे नंबर्स में से अभी आपके माइंड में कौन सा नंबर आ रहा है, एंड आई कैन विजुलाइज दैट नंबर विच इज देयर इन योर माइंड, दैट इज कॉल्ड द टेलीपोर्टेशन टेक्निक। यानी कि आप क्या सोच रहे हो वो मैंने आपको पहले ही सोच के बता दिया। तो इसमें भी यही हो रहा है कि एक एक शब्द क्या करा जा रहा है, परीक्षार्थी को बोलकर सुनाया जा रहा है, और फिर उससे पूछा जाता है कि सबसे पहला शब्द आपके माइंड में अब कौन सा आ रहा है। सो दैट इज कॉल्ड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। जैसे न्यूमरोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि आपके जो जन्मांक है, जो नंबर्स हैं, उससे रिलेटेड आपकी पर्सनैलिटी में एनरिचमेंट किया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर शब्दों के माध्यम से, वर्ड्स के माध्यम से आपका व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है कि इन बहुत सारे वर्ड्स में से अब कौन सा वर्ड आपके माइंड में क्लिक हो रहा है वो आपको बताना है, और जो वर्ड आपके माइंड में क्लिक होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके व्यक्तित्व का एनालिसिस किया जाता है, व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। इसे ही कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जो कि किसमें है, प्रक्षेपीय विधि में है। फिर सेकंड आपका जो टाइप है, इसमें फर्स्ट हो गया वर्ड एसोसिएशन, सेकंड इज रोशार्क परीक्षण। ये भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या पूछा जाता है, हरमन बावेजा, ठीक है, हरमन बावेजा तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री में है, और यहां पर ये रोशार्क परीक्षण किसने यूज किया, हरमन रोशार्क ने 1921 में इसे इन्वेंट किया। इसमें होता क्या है, टोटल 10 कार्ड्स होते हैं जिसमें स्याही के धब्बे से चित्र बने हुए होते हैं, काइंड ऑफ ब्रश पेंटिंग, ठीक है। जैसे ब्रश पेंटिंग में ब्रश से अलग अलग तरह की बूंदों से पेंटिंग्स बनाई जाती है, स्प्रिंकल किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर स्याही के धब्बों से कुछ चित्र बने। टोटल कार्ड्स कितने हैं ये आपसे पूछे जाते हैं रोशार्क परीक्षण में, टोटल कार्ड्स की संख्या बताएं, 10, 11, 12, 15, तो आपको बताना है टोटल 10 कार्ड्स हैं। 5 कार्ड्स कैसे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, और 5 कार्ड्स पर रंग होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल 10 कार्ड्स हैं तो रंग कितने पे होते हैं, 5 पर, और 5 कितने होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। परीक्षार्थी से पूछा जाता है कि कार्ड में उसे क्या दिखाई दे रहा है। अब वो जो ब्रश पेंटिंग है, जो स्याही वाले धब्बों से जो चित्र बनाए हुए हैं, उसमें व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि भाई आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है।
अब व्यक्ति का जैसा मेंटल सेटअप होगा उसको दिखाई भी वही देगा, उसकी जैसी दमित इच्छाएं होंगी, जो परिकल्पनाएं होंगी, जो उसकी धारणाएं होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसको वो स्याही वाले धब्बों के जो चित्र हैं वो दिखाई देंगे। अगर वो सकारात्मक है तो सकारात्मक चित्र, और अगर वो नकारात्मक मानसिकता रखता है तो नकारात्मक चित्र उसे दिखाई देंगे। जैसा एग्जाम में होता है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन में साफ लिख रखा है कि इन विकल्प में से क्या नहीं है, और हम पढ़ रहे हैं कि इन विकल्प में से क्या है, वो नहीं लिखा हुआ है फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता बन गई है, हमारा प्रेशर इतना ज़्यादा है माइंड पे कि हमें नहीं वाला शब्द जो है वो दिख ही नहीं रहा है आँखों से। साफ लिखा हुआ है नहीं, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है। तो हमने जब बाहर आके एनालिसिस किया तभी कहा कि अरे इसमें तो है पूछा है, फिर सामने वाले ने बताया है नहीं, इसमें नहीं है लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस बात को मैंने गौर ही नहीं फरमाया। क्यों? क्योंकि जैसा मुझे उस वक्त दिखाई दे रहा था वैसा ही मैंने रिएक्ट करा, और मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा था जैसा मैं देखना चाह रहा था। तो इस वजह से यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि उन लोगों से कार्ड के माध्यम से पूछा जाता है कि आपको क्या चित्र दिखाई दे रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की अनुक्रिया को पहचानना। इन चित्रों के माध्यम से व्यक्ति क्या रेस्पॉन्स कर रहा है, उसका रेस्पॉन्स कैसा है, इसको जानने के लिए ये परीक्षण किया जाता है, जिसको हम कहते हैं रोशा परीक्षण। ठीक है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड थीमैटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीमैटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, जिसको हम टेट के नाम से भी जानते हैं। आइए कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं इसमें। थीमैटिक एप्रिसिएशन टेस्ट 1935 में मुर्रे ने दिया, ठीक है। फिर इसमें होता क्या है, इसमें टोटल 31 कार्ड्स हैं। 31 कार्ड्स में से 30 कार्ड्स पर चित्र बने हुए हैं, एक कार्ड खाली है, ये आपको याद रखना है। 10 कार्ड्स ऐसे हैं जो जिसपे स्त्री के जो आकृति है वो बनी है, 10 कार्ड पे पुरुष की आकृति बनी हुई है, और बाकी 10 कार्ड पे क्या है, मिक्सअप है, स्त्री पुरुष दोनों की आकृति बनी हुई है। छपे हुए चित्र के आधार पर पूरी कहानी लिखनी होती है, जैसे हमारे राजस्थान पत्रिका में भी आता है, कोई चित्र आपको दे दिया जाता है, कोई अधूरी कहानी आपको बता दी जाती है, और फिर इस अधूरी कहानी को आपको पूरा करना होता है। इमरान हाशमी नहीं आएगा इस अधूरी कहानी को, पिक्चर को पूरा करने के लिए, आपको ये कहानी पूरी करनी होगी। तो यहाँ पर चित्रों के माध्यम से देर आर टोटल 30 कार्ड्स इन विच यू हैव टू डिजाइन अ स्टोरी अकॉर्डिंग टू दोज कार्ड्स, अकॉर्डिंग टू दोज पिक्चर्स। तो इसमें स्टोरी बनानी होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा हो गया कि इसमें टोटल कार्ड्स की संख्या कितनी होती है, ठीक है, टोटल कार्ड्स की संख्या इसमें कितनी होती है, ये क्वेश्चन बन गया। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने इंट्रोड्यूस किया, ये क्वेश्चन बन गया। फिर इसमें कहानी पूछी जाती है कि चित्र बनाने होते हैं, तो इसमें कहानी लिखनी होती है, ये क्वेश्चन बन गया। फिर इसका उद्देश्य क्या होता है, महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के बारे में पता लगाना। What are the basic needs? What are the urgent needs of a person? This can be diagnosed through this personality test. तो यहाँ पर व्यक्ति की क्या आवश्यकताएं हैं जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और अर्जेंट हैं, उन आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए थीमैटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो प्रयोग में लिया जाता है। तो देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट बातें हम कितने कॉम्पैक्ट रूप में कर रहे हैं, जिसमें आपको कोई भी अनावश्यक तथ्य नहीं दिखाई देगा। ये सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगामी क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी इसी कंटेंट में से आएंगे। तो आपके पास एक फिक्स मटीरियल है कि कितने कार्ड हैं, किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन से वर्ष इंट्रोड्यूस किया, और इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इतना सिस्टमैटिक मैटर आपके सामने लाया जा रहा है, तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद भी आएगा। नेक्स्ट परीक्षण देखते हैं इसका, इसी सीक्वल में ये थर्ड वाला, ये फोर्थ, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको हम कैट भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ये बेलक ने इंट्रोड्यूस किया 1954 में, ठीक है। इसमें होता क्या है, 3 से 10 वर्ष के बालकों के व्यक्तित्व का परीक्षण मापन किया जाता है, 3 से 10, ठीक है, माफ कीजिएगा। और इसमें टोटल कितने होते हैं, 10 कार्ड्स होते हैं। उम्र तो कितनी, 10 से 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए होता है ये कैट वाला,
परीक्षण और इसमें टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 10 कार्ड्स होते हैं। अब इसमें जानवरों के चित्र देखकर कहानी की रचना की जाती है। कुछ भी जानवरों के चित्र दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि फिर आप इस बेस पर, जो आपको चित्र दिखाए गए हैं, इस बेस पर आप कहानी की रचना का निर्माण करेंगे। तो अब यहाँ पर कौन से वाले परीक्षण में जानवरों के चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है, सो दैट इज कॉल्ड चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। ये कितने वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी होता है, 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसमें भावनाओं को प्रकट करते हैं, जो भी बच्चों की फीलिंग्स हैं उन फीलिंग्स को इसके माध्यम से जो प्रकट करने का एक प्लेटफॉर्म इनको प्रदान किया जाता है कि जानवरों के चित्र देखकर ये क्या करेंगे, ये कहानी लिखेंगे। अब इनका जैसा दृष्टिकोण होगा, जैसा फील होगा, जैसा इनके अनुभव होंगे, उन अनुभवों को ये इन कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। सो दैट वॉज चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा चित्रगत कुंडा परीक्षण। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। रोजन विग ने इसे इंट्रोड्यूस किया था 1944 में। 24 चित्र बने होते हैं कार्टून के, ठीक है, इसमें कार्टून्स होते हैं और उसके टोटल 24 कार्ड्स होते हैं, 24 पिक्चर्स। 2 अस्पष्ट मानव आकृति होती है, कुछ इंसान की आकृति बनी है बिल्कुल अस्पष्ट तरीके से। एक में तो कथन दिया होता है और दूसरे में आपको रिक्त स्थान दिया होता है जिसमें आपको उत्तर लिखना होता है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टेस्ट थे वो हमने आपको बताए। बाकी ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ही लिखना ही नहीं है, इसको ध्यान में तो रखना है, बट इसके जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। फिर अब देखें प्रेक्षण विधियां, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। ऑब्जर्व करना, किसी को ऑब्जर्व करने को हम हिंदी में कहते हैं, इन विधियों में कहते हैं प्रेक्षण। प्रेक्षण यानी कि किसी को ऑब्जर्व करना। किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां पर आप किसी बहू को या किसी लड़की को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, एक प्रेक्षक व्यक्ति की क्रियाओं को ध्यान पूर्वक प्रेक्षण करता है। एक प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको ऑब्जर्व करता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड प्रेक्षण विधियां। और ऑब्जर्व जो कर रहा है वो किसमें कर रहा है, नियंत्रित परिस्थितियों में करता है। कंट्रोल्ड सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं उसमें ये ऑब्जर्वेंस जो है वो की जाती है, यानी कि जाने अनजाने में नहीं, उसको कंट्रोल्ड एक्शंस हैं ये, उसको पता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इन नियंत्रित परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, प्रेक्षित किया जाता है। और इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हैं उसमें हमारा आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है, व्यक्ति गुणों के आधार पर कैसा है, ये जानने के लिए रेटिंग स्केल परीक्षण किया जाता है, जो कि एक ऑब्जर्वेशनल मेथड है। इस रेटिंग स्केल ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या जाना जाता है, व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है कि इसमें कितने गुण हैं, ठीक है, 36 गुण हैं, 32 गुण हैं, शादी करने लायक है भी कि नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित गुणों का ऑब्जर्वेंस किया जाता है। साक्षात्कार, अब ये साक्षात्कार जो है ये ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है, ये भी एक कैसी है, साक्षात्कार जो है ये प्रेक्षण विधियों के अंतर्गत आती है। और साक्षात्कार में व्यक्ति से आवश्यक जानकारी एकत्रित की जाती है और वो जानकारी कैसी होती है, आपके व्यक्तित्व से संबंधित होती है। जैसे आपसे इंटरव्यू में अचानक से पूछ लिया जाता है कि आपका मेन कोर सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी रहा है, तो प्लीज नरेट सम सॉन्ग्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी। तो यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड, ज्योग्राफी के टर्म्स से रिलेटेड आपको कुछ जो फिल्मी गीत हैं वो अचानक से बताने। अब आपके व्यक्तित्व की परछाई इसमें परिलक्षित होगी, कैसे कि अचानक से मुझे याद आता है कि हाँ बहती हवा सा था वो, तो यहाँ पर ईस्टरलीज और वेस्टरलीज की बात कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर जब मुझे वो गाने आ जाते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल एरियाज, ज्योग्राफिकल टर्म्स, तो इससे क्या होता है, ये साक्षात्कार में हमारे व्यक्तित्व की झलक देखने को मिलती है और व्यक्ति जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उसको ये समझ में आ
जाता है कि इस इंटरव्यू देने वाले का जो माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो कितना अच्छा है कि इसने फटाफट इतने अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के से रिलेटेड इतना अच्छा जवाब दिया, इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया। सो दैट इज कॉल्ड साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि के बारे में हम सभी को पता है, लेकिन ये शायद ही पता हो कि दिस साक्षात्कार विधि इंटरव्यू प्रोसेस कम्स अंडर द कैटेगरी दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल मैथड, राइट। तो इस तरह से हमने ये साक्षात्कार विधि के बारे में भी जान लिया। अब हम देख रहे हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। इससे रिलेटेड भी रीट में कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है और इसको हम सीख भी लेते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड नाम से आपके आईएएस में सी सेट में एक पेपर तो चल ही रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये एप्टीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इस चैप्टर की वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, जिसको मैंने हिंदी में भी लिखा है कि एटीट्यूड को कहा जाता है अभिवृत्ति और एप्टीट्यूड को कहा जाता है अभिक्षमता। तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम ये जानेंगे कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। एटीट्यूड से रिलेटेड देखें कि इसे अभिवृत्ति कहा जाता है, और इससे संबंधित मैंने जो तथ्य यहाँ पर लिखा है वो लिखा है कि किसी विशिष्ट वस्तु व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण, किसी विशिष्ट वस्तु व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण को ही एटीट्यूड कहा जाता है। हमारा देखने का नजरिया, हमें वो पसंद है कि नहीं पसंद है, तो दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। ये हमारा एटीट्यूड है, और जरूरी नहीं है कि हमें जो पसंद है और नहीं पसंद है वो सामने वाले का भी एटीट्यूड हमारे जैसा ही हो, सेम हो। हो सकता है उसे वो चीज नहीं पसंद हो जो हमें पसंद है, सो दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड, देखने का नजरिया। अनुक्रिया करने की मानसिक तत्परता होती है। एटीट्यूड क्या होता है, किसी भी स्टिमुलस के प्रति आपका रिस्पॉन्स करने की जो मानसिक तत्परता है, जो मेंटल ईगरनेस है, उसी को हम कहते हैं एटीट्यूड। फटाफट से हम उसके प्रति अनुक्रिया करेंगे कि हमें ये चीज़ पसंद है कि नहीं पसंद है, सो दैट इज कॉल्ड मानसिक तत्परता, और दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। एंड एटीट्यूड इज अ काइंड ऑफ दृष्टिकोण। अब इसमें क्या होता है, यह जन्मजात नहीं होता है, ये अर्जित होते हैं। वातावरण से प्राप्त हमें जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को हम स्कीमा के द्वारा अपने माइंड में स्टोर करके रखते हैं, और जब फिर हमें जो फील होता है, जैसा हम इसका संश्लेषण और विश्लेषण करते हैं, उस हिसाब से हम इसको डिजाइन करते हैं, और ये डिजाइन हमारा बन जाता है एटीट्यूड। तो इसे हम जरा भी ये नहीं कह सकते कि ये जन्मजात होता है। एटीट्यूड जो होता है वो हमेशा अर्जित होता है। हम कुछ अनुभव करेंगे और अनुभव करने के बाद कुछ मानसिक धारणा बना लेंगे, कुछ दृष्टिकोण बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि एटीट्यूड जो होते हैं वो जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि अर्जित होते हैं, व्यक्ति के अनुभवों पर आधारित होते हैं। एटीट्यूड्स कैसा होता है, व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होते हैं। अब जैसे ऐसा देखा जा रहा है कि वीडियोस में छोटे छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनके भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं और YouTube पर उनको लॉन्च किया जाता है। अब इसमें कुछ लोगों का एटीट्यूड है, कुछ लोगों कि ये दृष्टिकोण है कि यहाँ पर इतने छोटे बच्चों की वीडियोस बनाकर YouTube पे डालना अच्छी बात नहीं है। तो ये उनका एटीट्यूड है, ये उनका दृष्टिकोण है कि छोटे बच्चों को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर फ़ोन में अपना टाइम स्पेंड करने लगेंगे और इससे जो हार्मफुल रेडिएशन निकलेंगे वो उनके माइंड को तबाह कर सकते हैं। तो ये आपका एटीट्यूड है। लेकिन दूसरे जने कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर इनकी जो कैलिबर है, इनका जो विशेषता है, उसको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक पहचान मिल रही है, सोसाइटी में पता चल रहा है कि आपकी जो बच्चे हैं वो किस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसके लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म इनको मिल रहा है, तो गलत क्या है। इनको ऐसे प्रदर्शन डांस के, सिंगिंग के, ड्राइंग के, उसके लिए यूट्यूब चैनल का सहारा लेना चाहिए। तो कुछ लोग इसके समर्थन में होंगे और कुछ लोग इसका विरोध करेंगे। सो व्हाट इज दैट, दैट इज द एटीट्यूड, दैट इज द परसेप्शन, दैट इज द दृष्टिकोण। उनका दृष्टिकोण है, उनकी मान्यता है ऐसी
कि YouTube पे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई इन्वॉल्व करना चाहिए, इससे उनमें क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इससे उनमें पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ों के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज करने का उनको मौका मिलेगा, एज वेल एज वो किस चीज में अच्छे हैं वो भी वो चीज निखर के और पॉलिश होके लोगों के सामने एक सोशल प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो इससे ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के अलग अलग एटीट्यूड हैं, और ये एटीट्यूड बिल्कुल भी जन्मजात नहीं होते, ये कैसे होते हैं, अर्जित होते हैं, क्योंकि इसे व्यक्ति अनुभवों के आधार पर अर्जित करता है। तो यहाँ पर एटीट्यूड इज कम्प्लीटली एक्वायर्ड एंड दे आर नॉट इनेट, जन्मजात नहीं होते। लेकिन इसके विपरीत बात आती है एप्टीट्यूड की, जिसे हम कहते हैं अभिरुचि या अभिक्षमता। देखिए नाम में ही आ रहा है अभिक्षमता। अब ये अभिक्षमता क्या है, किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होती है। अभिक्षमता क्या होती है, किसी विशिष्ट विषय से संबंधित होती है। यहाँ पर ऐसी कोई विशिष्ट बात नहीं की गई है, यहाँ पर बताया गया है कि किसी विशिष्ट वस्तु व्यक्ति के प्रति हमारा दृष्टिकोण, लेकिन यहाँ पर दृष्टिकोण की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर किसी विशिष्ट विषय से संबंधित व्यक्ति का पोटेंशियल, व्यक्ति की अंतःशक्ति, उसका दृष्टिकोण नहीं उसकी अंतःशक्ति, उसको हम कहते हैं अभिक्षमता, उसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। और ये एप्टीट्यूड कैसा होता है, ये जन्मजात भी हो सकता है और अर्जित भी हो सकता है। जैसा हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जो ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ये जन्मजात पैदा होते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं ये जन्मजात पैदा नहीं होते, ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर नेतृत्व करने की क्षमता कुछ लोगों की जन्मजात से ही होती है, जन्म से ही उनमें लीडरशिप वाली जो क्वालिटीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो ये क्या हुई, विशिष्ट विषय, विशिष्ट सब्जेक्ट, कुछ पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जिसमें उनका पोटेंशियल, उनकी अंतःशक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी है। सभी लोग नेतृत्वकर्ता नहीं होते, सभी लोग बहुत अच्छी लीडरशिप नहीं करते, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा मैनेजमेंट करके बहुत शानदार लीडरशिप का परिचय देते हैं। तो ये लोग क्या हैं, ये कोई पर्टिकुलर एरिया में किसी विशिष्ट विषय, स्पेशल सब्जेक्ट यानी कि साइंस मैथ्स नहीं, विशिष्ट विषय यानी कि कोई विशिष्ट क्षेत्र, उस क्षेत्र में इनका पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। तो उसे हम कहेंगे अभिक्षमता एंड एप्टीट्यूड, और ये जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। तो यहाँ पर जन्मजात कैसे, कि वो लीडरशिप, बचपन से ही उनकी लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी रही हैं, तो ये कैसी हो गई, जन्मजात। लेकिन जब धीरे धीरे इसको एक्वायर्ड भी किया जा सकता है, अभिक्षमता को, पोटेंशियल को बढ़ाया भी तो जा सकता है। तो यहाँ पर कोई पॉलिटिकल लीडर बचपन से नहीं था, लेकिन धीरे 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 उसमें निखार आता गया और वो एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल लीडर बन गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अर्जित अभिक्षमता, कि व्यक्ति ने खुद में सुधार करके, खुद आत्म अन्वेषणात्मक विधियों के माध्यम से, खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके, आत्मनिरीक्षण करके अपने आप में साल दर साल निखार लाया, और साल दर साल निखार के बाद अब वो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पारंगत हो चुका है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एप्टीट्यूड है ये क्या किया जाता है, एप्टीट्यूड अर्जित भी किया जाता है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने पूरे आत्मसमर्पण से। लेकिन कई लोग जन्मजात भी होते हैं जो जन्मजात इन क्वालिटीज़ को लेकर ही पैदा होते हैं, उन्होंने कहीं से किसी से कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन वो जन्मजात इन क्वालिटीज़ के साथ ही पैदा होते हैं। कि बॉम्बे में एक लेडी है जिसने अपना बिजनेस समोसे बेचने से स्टार्ट किया, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी की CEO है। तो यहाँ पर उसने कोई MBA की डिग्री प्राप्त नहीं की, कोई मैनेजमेंट की स्पेलिंग उसको नहीं आती है, और वो मात्र समोसे बेचा करती थी। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से लेकर ये CEO का जो सफ़र था उसका, वो कैसे था, ये क्वालिटीज़ उसमें जन्मजात थी, और जन्मजात होने के साथ साथ उसने इन क्वालिटीज़ को निखारा, उसने इन क्वालिटीज़ को और ज़्यादा प्रोत्साहन किया, और प्रोत्साहन देने के बाद, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने के बाद, अंततः वो फाइनली क्या बन गई, एक बहुत बड़ी कंपनी की CEO बन जाती है। तो ये क्या है, जन्मजात क्वालिटीज़ तो उसमें थी ही, और अर्जित भी उसने की, बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारी चीज़ें उसने सीखी, और सीखने के बाद आज वो बहुत बड़े पद पर सुशोभित हैं। सो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड में ये दोनों चीज़ें आती हैं। हम कहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एटीट्यूड जन्मजात था कि एप्टीट्यूड,
आपको ये याद रखना है कि एटीट्यूड कभी भी जन्मजात नहीं होता, अर्जित किया जाता है, वातावरण पर डिपेंड करता है, लेकिन एप्टीट्यूड जो है वो कैसा होता है, जन्मजात भी हो सकता है और अर्जित भी हो सकता है। जैसे एक बच्चा जो कॉन्वेंट में पढ़ता है, उससे पहले वो कॉन्वेंट स्कूल में नहीं गया, उसमें कोई एटीट्यूड नहीं था, लेकिन जैसे ही कॉन्वेंट स्कूल में गया, उसे पता चला कि क्रिश्चियन मिशनरीज का स्कूल है, मैं भी इसका पार्ट हूँ, तो उसमें क्या आ गया, एटीट्यूड आ गया। अब दूसरे स्कूल के बच्चों से जब वो मिलता है तो बार बार उसे एक फीलिंग आती है, किसकी, एटीट्यूड की, कि अरे मेरा तो कॉन्वेंट स्कूल है, ये तो गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं, तो मैं कितना हाई प्रोफाइल हूँ उनसे। सो काइंड ऑफ एटीट्यूड, एंड दैट एटीट्यूड इज एक्वायर्ड। जन्म से उसको पता नहीं था कि वो कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा और उसका इतना एटीट्यूड बन जाएगा। ये एटीट्यूड तो कब डेवलप हुआ, जब उसने स्कूल में एडमिशन लिया और पता चला कि दूसरे स्कूल जो हैं उससे उसका स्कूल जो है वो कहीं ज़्यादा सुपीरियर है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है, बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो उसमें फॉरेन से टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, सारे टीचर्स जो हैं वो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ऑल आर सिस्टर्स एंड फादर्स ओवर देयर। तो यहाँ पर कोई भी लोकलाइज्ड टीचर मुझे नहीं पढ़ाता है, सब बहुत लर्नेड और स्कॉलर पीपल यहाँ पर हैं। तो उसमें क्या डेवलप हो जाएगा, एक एटीट्यूड, और वो एटीट्यूड किससे डेवलप हुआ, वातावरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर एटीट्यूड अर्जित किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो चैप्टर था ये पूरा का पूरा समझने वाला चैप्टर था। हालांकि इस चैप्टर का नाम अधिगम नहीं था, लेकिन इस चैप्टर में हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझनी थी, और समझने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन चीज़ों को हमने व्यवस्थित करने की कोशिश की है, क्योंकि हमें आता तो सब कुछ है, बहुत सारे तथ्यों की जानकारी है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इन तथ्यों की जानकारी को एकीकृत किया जाए, सुदृढ़ किया जाए, इतना सिंक्रोनाइज्ड किया जाए कि एग्जाम में कोई भी डाउट का स्कोप नहीं रहे। So I hope you all like this video very much, and by this we have completed this topic, which was a wonderful topic related to school psychology, related to a person's psychology, and related to various kinds of tests. But after that we have concluded that we have learned all these facts and concepts very nicely. So in next video we'll be meeting for the next topic, that is called the different types of learners, अधिगम कर्ताओं की विभिन्नताएं, इसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसमें कौन सा ऐसा परीक्षण है जो आपको बहुत अच्छा लगा, वो बुद्धि से संबंधित है कि व्यक्तित्व से संबंधित है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।